पाकिस्तान का क्वेटा शहर 3 दिन बाद फिर दहल उठा। आज अल खैर अस्पताल के पास धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह धमाका आतंक निरोधी दस्ते की गाड़ी को निशाना बनाते हुए किया गया था। यह गाड़ी अल खैर अस्पताल के पास जरखो रोड पर खड़ी थी। वही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को क्वेटा के सिविल अस्पताल में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 75 लोग मारे गए थे। मरने वालों में अधिकतर वकील और पत्रकार थे। यह हमला उस वक्त हुआ था जब सिविल अस्पताल में 200 से ज्यादा लोग जमा हुए थे। वहां बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता बिलाल अनवर कासी का शव लाया गया था। दिन में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को हुए हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार संगठन ने ली थी। जहां एक तरफ नवाज शरीफ कश्मीर हिंसा पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में लगातार हो रहे हमलों से जाहिर है कि आतंकी अभी भी किसी बड़े हमले की फिराक में हैं और नवाज सरकार को खुली चुनौती देने पर आमादा है। देखते रहिए टीवी लाइव।